सलाम वालेकुम दोस्तों। थोड़ी ही देर पहले जो है इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक प्रेस रिलीज की गई है, उसमें बताया गया है कि दो एडिशनल फ्लाइट जो है ऐड की गई है वंदे भारत मिशन फेज़ 5 में। यानी कि आप जानते हैं कि इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि वंदे भारत फेज़ 5 में जो फ्लाइटें थी वो मैंने उनकी जानकारी दी थी आपको। तो उसमें जो है इंडियन एम्बेसी ने दो फ्लाइट और उसमें ऐड की गई हैं, रियाद से दिल्ली के लिए जाएंगी। देखिए, पहले जो वंदे भारत मिशन चल रहा था दिल्ली के लिए बहुत ही कम फ्लाइट थी, उसमें ज़्यादातर जो फ्लाइट थी वो साउथ में जा रही थी। और दिल्ली के लिए अभी जो वंदे भारत फेज़ 5 में जो फ्लाइट मैंने आपको बताई थी अभी 2-3 दिन पहले की वीडियो आप देख सकते हैं मेरी वहाँ पे, तो उसमें भी दिल्ली के लिए फ्लाइट शायद एक फ्लाइट है, यानी कम फ्लाइट है। और लखनऊ के लिए तो कोई फ्लाइट थी ही नहीं उसमें। तो लखनऊ वाले भी जो कमेंट कर रहे थे कि भाई कोई अगर लखनऊ के लिए फ़्लाइट होगी तो आप बता देना। तो देखिए, मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप जो है दिल्ली के आसपास या लखनऊ में रहते हैं या लखनऊ के आसपास आप जो है रहते हैं, तो मेरी राय आपके लिए यह है कि आप जो है दिल्ली की फ़्लाइट ले लें। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको जो है कंपनी ने आपका हिसाब दे दिया है, आप कफील के पास थे, कफील ने आपका हिसाब किताब दे दिया है, तो यहाँ पे बैठने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो आप जो है दिल्ली का टिकट ले सकते हैं और दिल्ली का टिकट जो है आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। बस आपको जो है वंदे भारत मिशन की जो वेबसाइट है उस पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता, अपने किस तरह से करना है आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। इस पर मैंने एक कम्प्लीट वीडियो बनाई थी, आई बटन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। आप उस पर क्लिक करके तुरंत अपना 5 मिनट लगेगी आपको अपना वंदे भारत मिशन के तहत रजिस्ट्रेशन कर ले, और करके मैं आपको इसमें बताऊंगा कि ये टिकट जो है आपको मिलेंगे कहाँ से। रियाद में इसका ऑफिस है एयरलाइंस का, आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करके ऑफिस जा सकते हैं और जो पहले जाएगा उसको पहले टिकट मिल जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग जो है पहले कमेंट कर रहे थे क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है फ्लाइट से रिलेटेड, जिसमें मैंने जानकारी दी थी कि जो है तुरंत आप ऑफिस जाके जो है टिकट ले लें। अब वो जो है बंदे लेट गए वहाँ पे ऑफिस, तो पहले यानी फ़्लाइट तो कम है और बंदे जो है ज़्यादा हैं जाने वाले, तो उनको टिकट मिला ही नहीं वहाँ पे। तो वो शिकायत कर रहे हैं कि भाई हम गए थे, आप बता रहे हैं डायरेक्ट मिलेगा टिकट, पर वहाँ पे गए तो टिकट नहीं मिला। तो देखिए, यहाँ पर जो है फ्लाइट असल में कम है और बंदे जाने वाले ज़्यादा हैं। तो ये वीडियो देख लो आप, तुरंत जो है इसके ऑफिस के बारे में जानकारी ले लें। आप रियाद में रहते हैं या रियाद के आसपास रहते हैं तो उसके बारे में आप पता कर लें कि ये ऑफिस कितने बजे खुलता है और कितने बजे बंद होता है, और जो है आप पहली फुर्सत में जो है जाके टिकट खरीद सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये जो फ्लाइट है वंदे भारत मिशन फेज 5 में, ये शायद आखिरी फ्लाइट होंगी इस महीने में, क्योंकि ये जो है 25 तारीख में और 28 तारीख में रियाद से दिल्ली के लिए फ़्लाइट जा रही हैं। और मैंने कल जो है वीडियो में बताया था, क्योंकि कल जो है न्यूज़ आई थी, हरदीप सिंह पुरी जी ने बताया था कि वो 1 सितंबर से लेके वंदे भारत मिशन फेज़ 6 जो है शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, आप जो है नए हैं मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट से रिलेटेड और जो है सऊदी अरब की जो बड़ी खबरें होती हैं वो इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी देखने के लिए। और जो भी मैं आपको इस पे न्यूज़ दूंगा वो प्रूफ के साथ दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से आपको कोई न्यूज़ दूंगा। तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं हम न्यूज़ की तरफ। देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो है इंडियन एम्बेसी ने एक प्रेस रिलीज की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन इन सऊदी अरब जो ट्विटर अकाउंट है यहाँ से उन्होंने जो है बताया है। तो यहाँ पर जो उन्होंने न्यूज़ दी है, देखिए यहाँ पर दो फ्लाइट हैं, यानी एक फ्लाइट जो है 25 अगस्त को जा रही है रियाद से दिल्ली, जिसका इकोनॉमी का टिकट है 1300 रियाल का और बिजनेस क्लास का टिकट है 2300 रियाल का। एयर इंडिया की ये फ़्लाइट है। और जो दूसरी फ्लाइट है वो है 28 अगस्त को रियाद से दिल्ली के लिए है, उसका इकोनॉमी का टिकट 1300 रियाल का है और बिजनेस क्लास का जो है 2300 रियाल का टिकट है। और देखिए, यहाँ पर जो है उन्होंने बता दिया है साफ कि फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो है टिकट मिल रहे हैं, जो पहले जाएगा उसको पहले टिकट दे दिया जाएगा। क्या आप लखनऊ के भी हैं तो यहाँ पे रहने से क्या फ़ायदा, अगर आपका हिसाब किताब मिल चुका है, आपके हाथ में है फाइनल एग्जिट या फरोज उदा आपका लग चुका है, तो आप जो है दिल्ली का टिकट ले लें। आप जो है 7 दिन के लिए आपको वहाँ पर क्वारंटीन में रखेंगे। अगर आप जो है यहाँ से PCR रिपोर्ट लेके जाते हैं अपने कोरोना वायरस की निगेटिव रिपोर्ट, तो आपको वहाँ पर वो नहीं रखेंगे, आप डायरेक्ट अपने घर पर जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर रुकने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको वो रोकेंगे। अगर आप जो है PCR रिपोर्ट नहीं लेके जाएंगे तो 7 दिन आपको जो है दिल्ली में रखेंगे, वहाँ पेड वाला भी क्वारंटीन है और फ्री वाला भी। अगर पेड वाले में भी रहेंगे तो ज़्यादा महंगा नहीं है, मुश्किल से 1800-1900 या 2000 रुपये में 1 हफ्ते का आपका हो जाएगा। तो मेरी राय है कि आप जो है दिल्ली चले जाएँ और दिल्ली से जो है आप लखनऊ जा सकते हैं अगर आप जाना चाहें तो। और ये जो टिकट आपको मिलेंगे एयर इंडिया का ऑफिस में बता रहा हूँ आपको, एक कानू टावर 8641 नासिर इब्ने सय्यार अल विजारत रियाद 12622। देखिए, ये मैंने आपको एड्रेस बता दिया है, अब जो है आपने वीडियो देख ली तुरंत इस ऑफिस के बारे में पता कर लें अगर आप रियाद में हैं या रियाद के आसपास हैं, और तुरंत जाके ये टिकट आप खरीद लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।